तो आज हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर टू सॉल्यूशन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस सैंपल पेपर का भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन में जो सॉल्यूशन ऑप्शन में दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किनका है? तो यहाँ पर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हो भी सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और जनरली जो कंसंट्रेशन में है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में HCl है, HCl का सॉल्यूशन है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो आपको समझना होगा कि ये सॉल्यूशन का सवाल है। सॉल्यूशन का अगर नॉलेज अच्छा होगा, वेंट ऑफ फैक्टर का, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत हल्का सा सवाल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, चार ऑप्शन, तो ऑप्शन ए क्या है आपका, 0.01 mHcl सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ HCl सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी में आपका क्या दिया हुआ है, 0.1 mHcl सॉल्यूशन, तो दोनों में केस में HCl सॉल्यूशन है। ऑप्शन सी में देखें 0.01 mCH3COH, इसको क्या कहिएगा आप लोग, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन या इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है 0.1 mHcl एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। तो क्या लगता है आपको भैया, कंडक्टिविटी उसी का ज़्यादा होगा जिसमें आयन का संख्या ज़्यादा होगा। कंडक्टिविटी जो होता है इसको डिनोट किससे करते हैं, कप्पा से, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कब ज़्यादा होगा, आयन ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कब ज़्यादा होगा, जब आयन का संख्या ज़्यादा होगा ना, आयन्स ज़्यादा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। हम लोग पढ़े थे ना कंडक्टिविटी क्या था, 1 cm³ सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन लिए, उस सॉल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा यानी 1 cm³ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट है उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेगा कंडक्टिविटी कप्पा बढ़ेगा। तो अब आपको इसमें आपको यही बताना है कि इन सब में आयन का संख्या ज़्यादा किस में है, 0.01 mHcl या 0.1 m। अब ये दोनों में देख के बताइए तो किस में HCl का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें या इसमें, बी में ज़्यादा है तो ये तो कम है, इसका कंडक्टिविटी कम होगा। अब इन दोनों को ज़रा देख के बताइए, सी और डी में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, ये तो सीधे कम। अब इन दोनों में देखना है तो एक बात समझिए कि ये क्या है, HCl है। HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और CH3COH ये क्या है, याद आया आप लोग को, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक एसिड है ना जी, या CH3COH कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये HCl क्या है, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका अल्फा क्या होगा, 1, कंप्लीट डिसोसिएशन। ये क्या शो करेगा, HCl कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, और इसका अल्फा क्या होगा, 1 से बहुत बहुत कम होगा, कम भी कह सकते हैं या बहुत बहुत कम भी कह सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा, पार्शियल डिसोसिएशन शो करेगा। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, हुँ?
तो HCl स्ट्रॉन्ग क्लोराइड है, जितना डालेंगे H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा? नहीं करेगा, बहुत कम ही करता है। वीक एसिड है, 10-20% टूटेगा। अल्फा नहीं दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ देख के पता चल रहा है कि वीक एसिड है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा। लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा तो इस केस में आयन का संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, नहीं तो बी फॉर बॉल इज आवर राइट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है सैंपल पेपर का, जो कि सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 322, इज आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। तो हमको एक्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को समझिए अच्छा से, तो हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा स्थिर दिमाग से क्वेश्चन को आप सोचिए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसका? सोडियम सल्फेट का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है 10 मॉलिक्यूल। तो सोडियम सल्फेट का जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ हमारा एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किसका है? सोडियम सल्फेट का है कि नहीं, और इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल भी है कि नहीं। इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी एक तरह का क्रिस्टल वाला सब्सटेंस होगा और हम उसका सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है। और साथ में एक और सॉल्यूशन है ना। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ना हमें, कितना दिया हुआ है? 322 दिया हुआ है, 322 दिया हुआ है। और एक और सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये दूसरा सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है हमारा? नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जी, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट होता तो टूटता, पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? तो सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा वो हम देखेंगे अभी। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल भी है। तो नॉन वोलेटाइल तो हम जान ही रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में और इस सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम दिए हैं? एक्स। जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सब्सटेंस एक्स का है, तो हमें इस वाले सब्सटेंस का क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, यानी एक्स वाले सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है? बोल रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है? आइसोटोनिक। चलिए इसका कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2%, यानी इस सॉल्यूशन में जो सोडियम सल्फेट है वो 5% है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और 2% क्या दिया हुआ है? एक्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और ये दोनों क्या है? आइसोटोनिक है। ये दोनों सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम हो। अगर इसका पाई वन है और इसका पाई टू है तो हम क्या कहेंगे? पाई वन इक्वल टू पाई टू, तब ये सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस जो चीज़ दिया हुआ है इसका हम यूज करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास इन्फॉर्मेशन? पाई वन इक्वल टू पाई टू है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है सी आर टी, यही होता है ना जी, या आई लगा दें तो क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर। पाई इक्वल टू आई सी आर टी, क्योंकि यहाँ पे
इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा डिसोसिएशन होगा, तो इसलिए आई को लेके चलेंगे। आई अगर हमेशा लेके चलेंगे तो सेफ्टी में रहेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, आई सी आर टी। तो यहाँ कंसंट्रेशन वन लिख देते हैं, और इसके लिए क्या होगा, आई सी टू आर टी। आर और टी तो दोनों का कॉन्स्टेंट होगा ना, दोनों का सेम टेम्परेचर पर बात हो रहा है, तो आर और टी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, रह गया क्या आई। तो चलिए इसके लिए आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट को कैसे तोड़ेंगे, सोडियम सल्फेट मेनली सोडियम सल्फेट है, वाटर तो वाटर में चला जाएगा, पानी में कैसे टूटेगा, सोडियम सल्फेट 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जान लीजिए बात। क्यों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन कहाँ से आया है, बेस से आता है, और एनायन कहाँ से आता है, एसिड से। ये कौन सा बेस है, NaOH स्ट्रांग है, सल्फेट आयन H2SO4 स्ट्रांग एसिड से है, तो ये स्ट्रांग है, साल्ट है। तो कितना आयंस दिया, दो नहीं तीन, दो Na प्लस और एक सल्फेट, तो N बराबर तीन, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा बराबर वन है, तो I बराबर भी क्या हो जाएगा, तीन। तो ऐसे केस में I भी तीन हो जाएगा, तो तीन। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 5% ना, परसेंटेज में बात हो रहा है, तो 5 लिख देंगे डायरेक्ट। और मॉलिकुलर वेट भी देना है ना, चलो हाँ। तो कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन बाय मॉलिकुलर वेट, ये हो सकता है जी, एन वन बाय एम वन इक्वल टू आई एन टू बाय एम टू या एम एक्स माने इसको, ठीक है ना। कोई ऑप्शन वाला नहीं है नहीं, चलो देखो यहाँ पे। तो आई का वैल्यू अभी हम कितना फाइंड किए, तीन फाइंड किए हैं। एन वन है, इसका परसेंटेज क्या है, 5%, और मॉलिकुलर वेट क्या है, 322 इक्वल टू, अच्छा ये सेकेंड केस में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो टूटता नहीं है उसका आई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, आई का वैल्यू वन लेते हैं, जो नहीं टूटता है, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज पानी में डालेंगे तो उसका एक मोल डालेंगे तो एक ही मोल ना रहेगा, तो वो तो टूटेगा नहीं, तो आई तो बने रहे। इसका कितना परसेंटेज है, 2 है, और मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है यानी एम टू फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एम टू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर है, 322, 3 और 5 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा जो मॉलिकुलर वेट आएगा वो लगभग आएगा 42.93 ग्राम पर मोल। तो 42.9 ग्राम पर मोल हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम पहले किस में चेंज किए, कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में बात किया है ना, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन में दोनों केस में हमने वॉल्यूम को कैंसिल कर दिया, लगभग जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन बात हो रहा है, कंसंट्रेशन में क्या होता है, मोलरिटी, जनरली हम इसमें मोलरिटी यूज करते हैं, तो मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, तो दोनों में पर लीटर जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा पर लीटर में दिया होगा,
तो वॉल्यूम लगभग दोनों को सेम मान लिए, तो बच गया क्या, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल को हमने चेंज कर दिया किसमें, वेट में। नंबर ऑफ मोल यहाँ था, नंबर ऑफ मोल को किसमें चेंज कर दिया, डब्ल्यू वन बाय एम वन बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल को क्या लिख दें, डब्ल्यू टू बाय एम टू। तो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 5%, तो 5% हमने लिख दिया। मास परसेंट दिया हुआ है ना, और इसका मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 2% डब्ल्यू, और सॉल्व करने पर आ गया। तो बस नंबर ऑफ मोल को ही हमने कन्वर्ट किया था डब्ल्यू वन बाय एम वन। तो एक्चुअली में सी क्या है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो दोनों के लिए तो वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि पर लीटर में बात होगा वॉल्यूम का। तो डब्ल्यू वन बाय एम वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाय एम टू, और M1 दिया हुआ है, M2 हमें फाइंड करना था और हमने M2 फाइंड किया। तो जो सब्सटेंस X है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 42.9 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज और वाटर का मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव कहने का मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी ग्लूकोज को पानी में घोलने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। डेट्स वाई ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम बताए थे आपको कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आसान था ये क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ा जाए, इब्राहिम कलेक्टेड ए 10 ml ईच ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर। यानी जो इब्राहिम एक लड़का है वो क्या कर रहा है, 10 ml ले रहा है फ्रेश वाटर और, तो फ्रेश वाटर समझते हैं क्या होता है। तो हम लोग बी नंबर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक कंटेनर बनाएंगे, इसमें 10 ml का है, ठीक है। ये दूसरा कंटेनर है, तो पहला कंटेनर में उसने किया क्या किया, फ्रेश वाटर लिया, ठीक है। ये फ्रेश वाटर है जिसको उसने ही ऑब्जर्व, सॉरी, इब्राहिम कलेक्टेड ए 10 ml ईच ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर। ही ऑब्जर्व दैट वन सैंपल लेबल्ड पी, तो चलिए एक का उसने नाम दिया पी और एक का नाम दिया क्यू। तो पी वाला जो है वो 0 degree Celsius में क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, और क्यू वाला जो है -1.3 degree Celsius में, यानी कम टेम्परेचर पे, नहीं जी, माइनस में फ्रीज हो रहा है ये। इब्राहिम फॉरगेट विच ऑफ द टू पी और क्यू वाज ओशन वाटर, यानी इब्राहिम जो है वो गलती से भूल जाता है कि किस में उन्होंने, उसने फ्रेश वाटर रखा है और ओशन वाटर रखा है, तो वो भूल गया कौन पी है कौन क्यू है, ठीक है। तो help him identify which container contain ocean water giving rationalization for your answer, तो आप उसको किस तरह से मदद करेंगे, तो आप उसके लिए एक तर्क दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप जो आंसर दीजिएगा वो किसके साथ दीजिएगा, तर्कसंगत पूर्ण, यानी तर्कसंगत के साथ आंसर दीजिएगा, यानी रैशनलाइज कीजिएगा आंसर को। तो पहली बात कि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें कुछ नहीं होता है, और जो ओशन वाटर होता है उसमें क्या होता है, साल्ट होता है। ओशन वाटर में क्या होता है, साल्ट, और जिसमें साल्ट मिला होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब बताइए किसमें फ्रीजिंग पॉइंट कम है, फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कम है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, साल्ट। तो साल्ट अगर मिला रहेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो 0 degree Celsius पे तो फ्रेश वाटर फ्रीज होगा, लेकिन कम टेम्परेचर पर कौन फ्रीज होगा, ओशन वाटर। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो ओशन वाटर होगा, और इसी को हम लोग क्यू कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, पी। तो ये हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है। तो इसके लिए आप क्या जवाब सामने रखिएगा, सिंस ओशन वाटर कंटेन्स साल्ट, है कि नहीं, कंटेन्स साल्ट या नॉन वोलेटाइल साल्ट विच लोअर्स द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे रहा है, तो -1.3 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, यानी यही मेरा क्या है, ओशन वाटर है। तो आंसर आसान हो गया, लग रहा था बहुत भारी है, बड़ा ऐसा क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो बी नंबर हमने फाइंड कर लिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 का सी नंबर देखेंगे। तो हमारा सी नंबर क्या कहता है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K3FeCN6 इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इज 0.85, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन इज 1 मोलल, KB का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो बोल रहा है कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है I, क्या फाइंड करना है हमें, I फाइंड करना है, वेंट ऑफ फैक्टर, और किसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है K3Fe, कंपाउंड भी देखने में डरावना लग रहा है कि नहीं, जिस तरह का कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आपका जो इनऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें सब पढ़ना है, ठीक है। अभी आप लोग फैमिलियर नहीं है, लेकिन बाद में इसके इस तरह के कंपाउंड से फैमिलियर हो जाइएगा, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए क्या लेवल है क्वेश्चन का, यानी इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 0.852 दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा है, थोड़ा सा कम है। और व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ इट्स कंसंट्रेशन इज 1 मोलल, यानी इस ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन क्या लिया गया है, 1 m लिया गया है, मोलैलिटी 1 m लिया गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। चलिए तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका n निकाल लीजिए, अगर ये K3FeCN6 को पानी में डाला जाए, किस में डाला जाए, पानी में डाल देंगे, ये साल्ट है ना, किस तरह का साल्ट है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तरह का साल्ट ही है ये। कैटायन कौन है, के प्लस, जो देखिए ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो कैटायन है, इसे कहते हैं सिंपल आयन, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सिंपल आयन, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो सिंपल आयन तो पानी में कम्प्लीटली टूट जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन नहीं टूटता है, क्योंकि है कॉम्प्लेक्स, तो किस तरह से टूटेगा, 3K+ और पूरा का पूरा ये तो टूट भी नहीं करेगा, FeCN6 टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसका स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा था साइंटिस्ट को, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स था। तो टोटल कितना आयंस हुआ, टोटल 4 आयंस हुआ, 3K+ और एक बड़ा ऐसा आयन, ठीक है ना, इस आयन का नाम लिखने सीखिएगा आप लोग। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 4। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग टू लाइट होता तो सीधे I=4 हो जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो I का कैसे निकालते हैं हम लोग, I=1+N-1 अल्फा, यही फॉर्मूला है ना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 1+N का वैल्यू 4, 4 में 1 घटा दिए और अल्फा का वैल्यू है 0.852 रख देंगे, है कि नहीं। तो I=2 हो जाएगा 1+3×0.852। तो चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो I=2 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, I=2 हो जाएगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा जी, 6,
थ्री फाइव जा 15 का 5 ये 24 25 नहीं, अब पॉइंट कहाँ होगा तीन प्लेस के बाद है कि नहीं, और वन ऐड करना होगा ना, वन ऐड कर दीजिए। अब क्या करना होगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा, बस सिंपली कीजिए 3.55 लगभग इतना है, 3.556 मान के चलिए। हाँ तो हमने आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो पहला जो चीज़ तो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा चीज़ हमें क्या फाइंड करना है, बॉइलिंग पॉइंट। नहीं जी, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है ना बॉइलिंग पॉइंट का, डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम, सॉरी आई भी लगाना होगा ना, आई इंटू के बी, सॉरी एक मिनट, टी बी इक्वल टू आई के बी एम, यही ना फॉर्मूला होता है, के बी एम, आई लगा देते हैं इवेंट ऑफ वेक्टर। तो अगर हम डेल टी बी निकालना चाहें तो आई का वैल्यू क्या है, 3.55 लेके चलते हैं, ठीक है। के बी का मान दिया हुआ है ना 0.52, और मोलिटी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है कि नहीं, मोलिटी तो 1 दिया हुआ है। तो डेल टी इक्वल टू क्या होगा फाइंड करने पर, वन पॉइंट एट फाइव होगा, ठीक है, अप्रॉक्स। फाइंड करने पर कितना आया, 1.85 केल्विन, ठीक है, या सेल्सियस जो कहिए आप। तो इतना से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, बढ़ जाता है ना, यानी कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, तो इतना से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया है। तो हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, टी बी माइनस टी बी नॉट, यही था ना जी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना, इक्वल टू डेल टी बी, ये फॉर्मूला है मेरे पास, डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हमको टी बी निकालना है, तो डेल टी बी पता है ना हमें, डेल टी बी कितना है वैल्यू दिया हुआ है 1.85, और टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उधर अगर भेज देंगे तो टी बी, टी बी नॉट हो जाएगा ना, माइनस टी बी नॉट, उधर जाएगा टी बी नॉट। तो टी बी नॉट का वैल्यू क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस या 370, अच्छा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 373.15, तो 373.15 केल्विन। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, तो पॉइंट के बाद है दो डिजिट है 8 और 1, 9 और 1, 10, 1 और 3, 4, 5, 7, 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 375 केल्विन इज आवर आंसर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर है, पहला आंसर क्या है, आई इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर हमने निकाल दिया, दूसरा है डेल टी बी हमने यहाँ फाइंड किया था, डेल टी बी के मदद से हमने सॉल्यूशन का क्या निकाला, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन थे, तो हमने सॉल्यूशन से तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, यानी अथवा वाला पार्ट, यानी और वाला पार्ट, तो इसका हम लोग और वाला पार्ट देखेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एक्सपेक्टेड व्हेन फेनोल एंड एनिलीन आर मिक्स्ड विथ ईच अदर।
तो जब हम फेनोल और एनिलीन को मिलाते हैं तो किस तरह का रॉट लॉ में डेविएशन देखने को मिलेगा, किस तरह का डेविएशन आपको देखने को मिलेगा? व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज एक्सपेक्टेड, तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेविएशन, तो चलिए यहाँ पर बोला गया है जो मिक्सचर लिया गया है वो किसका लिया गया है? फेनोल और एनिलीन को। तो याद रहना चाहिए ये बात, हमने एग्जाम्पल में भी बताया है कि फेनोल और एनिलीन कैसा डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कैसा? नेगेटिव डेविएशन वाला। तो पहले इसका नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है ज़रा जान लीजिए कि ये आपका रहा फेनोल, बेंजीन में जब OH लगा रहेगा वो फेनोल होगा, और दूसरा कौन है? एनिलीन। एनिलीन का कैसे बनेगा? जब बेंजीन में क्या लगा होगा? NH2 ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप है ना। तो अब जरा देखिए, तो NH2 में यहाँ पर क्या है? H है ना, NH2 है, और यहाँ पर फेनोल में क्या है? OH है। तो ये H क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मॉलिक्यूल में बनेगा, ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल के बीच में, वो भी हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। तो जब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो होमो इंटर मॉलिक्यूलर, और जब दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बनता है? मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, मॉलिक्यूल करीब आएगा, तो करीब आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेज। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेज। और पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है पहले से। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीजेस, यानी घट जाएगा वॉल्यूम। तो ये बात ही पूछ रहा था कि वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा मिक्सचर में, तो वॉल्यूम घट जाएगा। 3 लीटर फेनोल और 2 लीटर एनिलीन लेंगे तो 5 लीटर से कम हो जाएगा वॉल्यूम। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला, तो याद है ना आपको कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये था, तो इधर हम पी नॉट ए लेंगे, एक तरफ एनिलीन का लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे? पी नॉट बी। किसका लेंगे? फेनोल का, जिसको आपको मानना है ए बी मानिए। और जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था वो कैसा था? ऐसा था ना। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी को जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ते थे तो क्या बनता था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इस बार क्या होगा नेगेटिव डिवीजन में? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? अट्रैक्शन के चलते क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जो पी एस का वैल्यू है वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के पी नॉट ए और पी नॉट बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन के जस्ट नीचे लाए करेगा। तो इस तरह से हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर हम लोग वेपर प्रेशर लिए थे और यहाँ नीचे क्या लिए थे? मोल फ्रैक्शन। इधर क्या लिए थे हम लोग? इधर लिए थे वेपर प्रेशर और इधर क्या लिए हैं? मोल फ्रैक्शन। तो याद रहना चाहिए आप लोग को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जो बी है, बी वाला क्वेश्चन है, वो क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 23.80 mmHg। इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्योर वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन है, सॉरी प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है जी? पी नॉट है कि नहीं? इसमें प्योर वाटर है, इसका पी नॉट वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? तो पी नॉट वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 23.80 mmHg। बोल रहा है क्या इसमें अब क्या मिलाया गया? 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया गया, कितना वाटर में? 100 ग्राम वाटर में। तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट दे दिया गया है, वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है आपका? 100 ग्राम है, ठीक है।
कैलकुलेट द रिजल्टेंट। तो वाटर में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया गया, 100 ग्राम वाटर में हमने एक मोल क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो हमें रिजल्टेंट वेपर प्रेशर, अब इसका वेपर प्रेशर तो घट जाएगा ना, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पीएस फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कौन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना जी। तो हमें निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है और जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर है, तो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, ये है कि नहीं, सॉल्यूट का जो मोल है N1 सॉल्यूट का मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, N2, तो सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर, कितना दिया हुआ है, वेट बाय मोलिकुलर मास, तो कितना दिया हुआ है वेट, 100, और मोलिकुलर मास कितना होता है, 18, तो 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5.18 को 5 और 90, 10 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 5, है कि नहीं, 5.55, तो N1 तो हमें दिया हुआ था 1 मोल, सॉल्वेंट का वेट दिया था 100 ग्राम वाटर में मिलाया था, सॉल्वेंट का मोल निकाल दिया 5.55 मोल। तो अब हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2, तो N1 कितना है, 1 प्लस 5.55 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 6.55। तो पी नॉट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 23। अच्छा, इसको पहले हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट लिख सकते हैं, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आया, 1 बाय 6.55। तो ऐसा करते हैं, हम 1 को उठा के उधर ले जाते हैं या इसी को उठा के उधर ले जाते हैं, है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 6.55 माइनस 1, है कि नहीं, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6.55 बाय 6.55। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको स्पेस चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5.55 बाय 6.55, ये ना है, पी नॉट उधर चला जाएगा, पी नॉट हम इधर भेज देते हैं। अच्छा, ये माइनस माइनस हटा दीजिए, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5. अच्छा, पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, तो 5.55 को 6.55 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5.55 डिवाइडेड बाय 6.55 0.85 मान लीजिए,
बाबा जी बाबा, खून गाड़ी है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? पी नॉट। तो पी नॉट कितना दिया हुआ है हमारा? 23.8 से 23.80 है, 23.8 मान के चल रहे हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 इंटू 23.8, वेपर प्रेशर क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा ना, तो अप्रॉक्स 20.23 mmHg। तो क्या वेपर प्रेशर घट गया? पहले से घट गया है। तो कितना आया? 20.23। पहले क्या था? 23.80, अब क्या है? 20.23। तो हमने सैंपल पेपर से सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, केवल नोट्स पढ़ना ही नहीं है बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सैंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।